स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले नोटपैड एप्लीकेशन, जानने वाले नोटपैड एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं नोटपैड एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करें। तो पहला तरीका यह है कि आपको नीचे देख लेना कहीं टास्क बार में नोटपैड एप्लीकेशन पिन किया हुआ है क्या। अगर पिन किया हुआ है तो सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो इधर नोटपैड एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको चले आना है सर्च में, एंड जब आप सर्च पर आएंगे तो इधर आपको लिख देना है NOTPAD, नोटपैड लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटपैड एप्लीकेशन आ गया। आने के बाद सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इधर यहाँ से भी नोटपैड एप्लीकेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आपको चले आना है यहाँ पर स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर जब आप आएंगे तो इधर आपको यहाँ सामने भी नोटपैड दिख सकता है। एंड एक और तरीका जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा रन कमांड से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे रन कमांड लाना है। तो रन कमांड आता कैसे है, तो विंडो प्लस आर जब आप प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर में तो इस तरीके का एक कमांड बॉक्स आएगा, इसका नाम है रन कमांड। और इधर आपको लिख देना है नोटपैड, नोटपैड लिख के एंटर कर देंगे तो इस तरीके से भी जो इधर नोटपैड स्टार्ट हो गया। तो नोटपैड स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका इंटरफेस दिख रहा है। तो इसमें ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसको ऊपर ये जो दिख रहा है इसको टैब कहा जाता है। फर्स्ट में आपका फाइल टैब है, दूसरा यहाँ पर एडिट टैब है और तीसरा यहाँ पर व्यू टैब है। फाइल टैब में अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो काफ़ी सारा चीज़ दिख रहा है। पहला दिख रहा है न्यू टैब, एंड उसके बाद न्यू विंडो है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, सेव ऑल है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, क्लोज टैब एंड क्लोज विंडो और एग्जिट है। और उसके बाद एडिट में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड। व्यू में अगर आके देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फाइल टैब। तो फाइल टैब में जब हम क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन दिखता है इधर न्यू टैब। न्यू टैब का क्या यूज़ होता है, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इधर मैं लिख दिया दिस इज डेमो क्लास। एंड ये लिखने के बाद मैं चाहता हूँ किसी और टैब में काम करूँ, एक साथ मैं नोटपैड पे अलग अलग टैब में काम कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे आऊँगा एंड फाइल पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू टैब। तो न्यू टैब पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक इधर जो है दूसरा टैब जो है यहाँ पर चालू हो जाएगा। मैं इधर कुछ और भी लिख सकता हूँ, दिस इज डेमो क्लास 2। ऐसा करके मैं क्या कर सकता हूँ, दो टैब पर काम कर सकता हूँ, इस टैब पर भी और इस टैब पर भी। तो आप फाइल में जाके न्यू टैब में जाके आप नया टैब स्टार्ट कर सकते हैं। नया टैब आपका यहाँ से भी स्टार्ट होगा, ये जो प्लस का ऑप्शन दिया है आप इस प्लस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको एक और टैब यहाँ पर मिल जाएगा, आप एक साथ अलग अलग टैब पे काम कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर फाइल में न्यू विंडो का, इसका क्या यूज़ होता है। न्यू विंडो से क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से नोटपैड स्टार्ट होगा, यानी कि एक नोटपैड तो हमारे इधर काम कर ही रहा था, एक दूसरा नोटपैड जो है और स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद एक और नया नोटपैड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद। जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो इधर क्लिक होता है, सॉरी स्टार्ट होता है, तो जहाँ पर कि हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर भी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ओपन, ओपन का क्या यूज़ है। तो ओपन का यूज़ होता है बेसिकली अगर आपने नोटपैड पे कोई फाइल पहले से बना के रखा है, आप चाहते हो कि वो फाइल मैं यहाँ पे ओपन करूँ, तो वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए सिंपल आपको आना पड़ेगा फाइल, एंड फाइल से आ जाएंगे आप ओपन पे। ओपन पे जब आएंगे तो आपको इधर डॉक्यूमेंट या जहाँ पे भी कोई फोल्डर अगर आपका बना हुआ पहले से, तो अगर नोटपैड का कोई भी फाइल अगर आपके कंप्यूटर में रहेगा तो वो फाइल आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं फाइल में अगला ऑप्शन है सेव। सेव का यूज़ होता है सेव करना, यानी कि अगर आप कुछ का नोटपैड में लिखते हैं एंड वो लिखा हुआ चीज़ आप जो है फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे एंड फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव का। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इधर सेव करने का ऑप्शन जो आपको सामने दिखने लगेगा। इधर लोकेशन है कि आपको किधर सेव करके रखना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है या डाउनलोड में। अगर आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो सीधा डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फाइल नेम देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी फाइल नेम देना हो ये फाइल नेम आप इधर दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेमो क्लास। और ये नाम देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, तो ये फाइल मेरा सेव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फाइल में सेव एज। सेव एज का क्या यूज़ है, सेव एज का यूज़ होता है बेसिकली डुप्लीकेट क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने इसको डॉक्यूमेंट में सेव किया, ये फाइल मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया है, मेरे को लगता है कि हो सकता है वो वहाँ से डिलीट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करूँगा, मैं एक फाइल का और एक कॉपी बना लूँगा, एक और जगह पर जाकर इसको सेव कर दूँगा। कहाँ से करूँगा, तो फाइल जाऊँगा और फाइल से चलाऊँगा इस पर सेव एज पे। तो जैसे सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा तो फाइल नेम आपका ये दिख रहा है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में ये सेव है। मैं क्या करूँगा, इसका लोकेशन चेंज कर दूँगा, अभी मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करके फाइल नेम में यही रहने देता हूँ, डेमो क्लास ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसको करता हूँ सेव, तो इससे क्या हो रहा है, ये फाइल हमारा दो जगह सेव हो गया, तो डॉक्यूमेंट में सेव हो गया, दूसरा डाउनलोड में सेव हो गया। तो यहाँ पर जो सेव एज का ऑप्शन दिया है बेसिकली इसका यूज़ होता है कि आप उसको
अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, मतलब एक डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सेव ऑल का। सेव ऑल का यूज़ होता है, जितना टैब आपने बनाया है वो सभी टैब आपके सुरक्षित हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे जितने भी टैब हैं इसमें। तो बेसिकली इसको यूज़ कैसे करना होता है, सिंपल, हम चलेंगे फाइल, अब फाइल से जाएंगे सेव ऑल, एंड सेव ऑल पे जाने के बाद फाइल का नाम दे देंगे या कुछ भी, एंड इसको सेव करेंगे। एंड जैसे ही सेव करेंगे तो अगला भी बोलेगा इसको सेव करने के लिए, यानी एक साथ अब जितना भी टैब आपने स्टार्ट करके रखा है वो तीनों आप जो है सेव कर सकते हैं वन टाइम में। तो कैसे, तो उसके लिए आना पड़ेगा फाइल, और फाइल से आना पड़ेगा सेव ऑल। तो सेव ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन करके आप सभी टैब को क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हम पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या यूज़ होता है, जैसे कि आप नोटपैड पे काम कर रहे हो कुछ और उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो प्रिंट आउट से पहले क्या करना, तो उसका पेज का सेटअप करना पड़ता है। तो पेज का सेटअप, जैसे एग्जांपल के लिए हमको पेपर का साइज रखना है A4, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम साइज पर आएंगे, एंड साइज पे आने के बाद यहाँ पर मैं A4 साइज ले लेता हूँ। ओरिएंटेशन अगर आपको चेंज करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप जो लिखोगे तो लैंडस्केप में कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, एंड पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। बाकी ये मार्जिन्स वगैरह दिया हुआ है कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, टॉप में कितना मार्जिन रखना है, बॉटम में कितना रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ से होता है, तो फाइल से होता है, यहाँ पर पेज सेटअप से। पेज सेटअप से आप अपने पेपर का साइज जो लिखा हुआ है और जो पेज है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। आगे बात करते हैं प्रिंट का। प्रिंट का सिंपल यूज़ है, जो आप लिखते हैं आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर किसी प्रिंटर से जुड़ा हो तो डायरेक्टली आप प्रिंट पे जाएंगे, फाइल जाएंगे पहले, एंड फाइल से चले जाएंगे प्रिंट पे, और प्रिंट पे जाने के बाद आप अपना यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रिंट होगा प्रिंटर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है प्रिंट का, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो जो लिखा हुआ चीज़ है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इधर क्लोज टैब। क्लोज टैब का मतलब होता है ये जो टैब हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है, एक टैब, दो टैब, तीन टैब, अब इसको क्लोज कर सकते हैं। कैसे, तो फाइल पे जाएंगे, क्लोज टैब पे क्लिक करेंगे तो एक टैब हमारा क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज करना है तो फिर से फाइल टैब में जाएंगे, क्लोज टैब करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं क्लोज विंडो। क्लोज विंडो से क्या होगा, ये विंडो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा, जिस पे हम काम कर रहे थे वो विंडो पूरी तरह से क्लोज हो गया। दोबारा भी हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड, एंड आगे देखते हैं फाइल में, तो हमारा यहाँ पे क्लोज टैब हो गया और क्लोज विंडो भी हो गया, और फाइनली यहाँ पे दिया हुआ एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, सिंपल, ये आपको बाहर कर देगा, मतलब आप नोटपैड से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था फाइल टैब। फाइल टैब के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला, एडिट टैब। तो एडिट टैब में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा अंडो का ऑप्शन, और ये अंडो का ऑप्शन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इधर कुछ लिखता हूँ, जस्ट लाइक मैं लिख दिया दिस, तो दिस लिखने के बाद मेरे को लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मैं सिंपल क्या करूँगा, अंडो कर दूंगा। तो जो कुछ भी आप लिखते हो फिर वो वापस चला जाएगा। तो फिर एडिट में जाएंगे तो एक ऑप्शन, एक होता है रेडो, उसका ऑप्शन तो नहीं दिया, बट इसमें शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं आप, कंट्रोल जेड से अंडो होता है और कंट्रोल वाई से रेडो होता है, तो आप रेडो भी कर सकते हैं, अंडो भी कर सकते हैं। बेसिकली इधर सिर्फ आपको अंडो का ऑप्शन दिया, तो आप अंडो करेंगे नहीं, आप कुछ लिखते हो, कुछ चेंजेस करते हो, तो वो हट जाएगा फिर वहाँ से। एंड वो हटने के बाद फिलहाल आगे देखता हूँ मैं, अगला यहाँ पर है कट। तो कट देखिए यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा, चूँकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, चूँकि जो भी चीज़ें कट कॉपी पेस्ट वगैरह आप करेंगे उसके लिए इधर टेक्स्ट का होना जरूरी है, टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखा हुआ होना जरूरी है, ताकि उसी को आप कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर राणा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा राणा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंड इसको लिखने के बाद मेरे को लगता है कि इसको यहाँ से कट करना है, ये चीज़ नहीं रखना हमको, कट करना है इसको। तो कट कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाएंगे, तो एडिट में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कट, तो कट आप जैसे करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद क्या करेंगे आप, कर्सर को थोड़ा इधर ले आएंगे, एंड जहाँ लाएंगे कर्सर और वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पेस्ट करने का, तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो जो सेलेक्ट किया हुआ, जो कट किया था, क्लिक किया था आपने, वो जो है इधर आके पेस्ट हो जाएगा। फिर एडिट में हम बात करते हैं कॉपी। तो कॉपी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सेम चीज़ मेरे को कहीं और लिखना है, जस्ट लाइक, तो हम क्या करेंगे इधर एडिट में जाएंगे, और एडिट में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी का, तो जैसे इधर मैं क्लिक करूँगा कॉपी पे तो वो टेक्स्ट कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद क्या करना, कर्सर आपको देख लेना कि कहाँ रखना है वो टेक्स्ट, तो कर्सर पहले आप वहाँ लेके जाएंगे, एंड जाने के बाद इधर एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट का, तो जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपने कॉपी करा था वो इधर आके पेस्ट हो जाएगा। तो आप कॉपी कर सकते हैं, एडिट में जाके इसको कॉपी करेंगे, एंड जहाँ पे रखना है तो फिर एडिट में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया कॉपी पेस्ट। कट कब करेंगे, मान लीजिए कि जब इसको हटाना है इधर यहाँ से कंप्लीट रूप से, तो मैं एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाके इसको कट कर दूंगा, एंड फिर कर्सर को मैं जहाँ रखूँगा एंड उसी जगह जाके एडिट में फिर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया आपका
अंडो करना, कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं डिलीट। डिलीट का यूज़ होता है जैसे कि अभी ये काम नहीं कर रहा है डिलीट, तो डिलीट कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कोई एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा था वो टेक्स्ट जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको डिलीट करना तो सिंपल इधर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके इसको डिलीट कर देना है। तो एडिट में जो डिलीट का ऑप्शन था आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगला यहाँ पे देखता हूँ इधर फाइंड। फाइंड का यूज़ क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना। अगर आपके पास कोई नोटपैड का डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई चीज़ आप खोजना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट आप खोजना चाहते हैं, तो आप यहाँ फाइंड का इस्तेमाल करके खोज सकते हैं। जैसे अभी इसमें कुछ है नहीं वैसे, तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ कुछ इधर लिख देता हूँ। जैसे इधर मैं लिखता हूँ मैं राणा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसको लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ फिलहाल कंट्रोल ए करने से क्या था ऑल सेलेक्ट होता है, तो चलो अभी ऐसे करके मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके मैं इधर क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल भी से। तो कंट्रोल भी मैं जितना प्रेस करूँगा उतना इधर जो है पेस्ट होता चला जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट जो है पेस्ट कर दिया। अब एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ फाइंड करना है, मेरे को राणा फाइंड करना है कि इधर राणा कहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे फाइंड करूँगा मैं? तो इसके लिए मैं एडिट आऊँगा एंड एडिट में आने के बाद इधर मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा। तो फाइंड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स आएगा, आपको क्या फाइंड करना है। जैसे मेरे को फाइंड करना है राणा, तो मैं इधर राणा लिखता हूँ एंड राणा लिखने के बाद फाइंड करने के लिए किधर जाना है, मेरे को नीचे आना है या ऊपर जाना है? तो अगर मेरे को नीचे देखने के राणा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो आप नीचे देख सकते हो, ये क्या करता है हाईलाइट करके दिखा देता है। आप देख सकते हो नीचे, ये आप देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ राणा लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करके इसको दिखा रहा है। तो फाइंड का मतलब ये होता है खोजना, तो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद अगला यहाँ पे मैं बात करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। इसका क्या यूज़ है? फाइंड नेक्स्ट का मतलब जब आप एक बार फाइंड कर लेते हो तो आप एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला फाइंड करके आपको दिखा देगा कि अगला वो जो टेक्स्ट है वो कहाँ लिखा हुआ। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब यही है। एंड इसमें एक और ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस मतलब जो आपको पीछे का देखना है कि हाँ पीछे कहीं और है क्या, तो फाइंड प्रीवियस हम यहाँ पे कर सकते हैं इस जगह पे। तो दोनों हो गया, फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड एडिट में एक ऑप्शन दिया फाइंड प्रीवियस पीछे ये कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद अगला मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो ऑप्शन दिया इसका नाम है रिप्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिप्लेस। रिप्लेस का बेसिकली यूज़ क्या होता है? तो रिप्लेस का यूज़ होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है राणा, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। जैसे ये पूरा मान लीजिए नोटपैड का एक पेज है, नोट्स है, इसमें जो है बहुत जगह पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो मेरे को क्या करना है कि कंप्यूटर के जगह पे लैपटॉप करना है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर है उस जगह पे लैपटॉप हो जाए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको चले आना एडिट और एडिट से चले आना रिप्लेस। तो यहाँ पर दो बॉक्स दिखेगा, तो फर्स्ट में है फाइंड, दूसरा रिप्लेस। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बदलना क्या है पहले वो लिखना है। जैसे मेरे को बदलना है यहाँ पे कंप्यूटर को, तो इधर मैं कंप्यूटर लिख दूंगा पहले। उसके जगह पे क्या लाना है, तो उसके जगह पे लाना है लैपटॉप। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप लिखने के बाद एक ऑप्शन है इधर रिप्लेस और दूसरा दिया रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, वन बाय वन जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ रहेगा लैपटॉप हो जाएगा। एंड दूसरा इधर दिया रिप्लेस ऑल, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जितना भी जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ था सभी जगह पे क्या हुआ, लैपटॉप हो गया। तो ये रिप्लेस का कमाल है। रिप्लेस क्या करता है, आप कुछ भी बदलना चाहते हो तो डायरेक्टली वन क्लिक में अभी सभी जो भी चीज़ें हैं वो उसको आप चेंज कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिप्लेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे लैपटॉप है और मेरे को इसके जगह पे कंप्यूटर करना है, तो कैसे करूँगा मैं, एडिट जाऊँगा, एडिट से रिप्लेस जाऊँगा। बेसिकली मेरे को क्या करना है, लैपटॉप के जगह पे कंप्यूटर करना है। तो सबसे पहले लैपटॉप को मैं ऊपर में लिखूँगा, जो बदलना है पहले उसको ऊपर में लिखूँगा एंड उसके जगह पे जो लाना है, मेरे को लाना है इधर कंप्यूटर, तो इधर मैं नीचे लिख देता हूँ कंप्यूटर। और लिखने के बाद एक ऑप्शन है रिप्लेस एंड दूसरा है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस से वन बाय वन रिप्लेस होगा, बट जब मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहाँ पर भी लैपटॉप होगा वो कंप्लीट रूप से जो है यहाँ पे कंप्यूटर में चेंज हो गया। चलिए अब अगला यहाँ पे एडिट में देखता हूँ, अगला ऑप्शन है यहाँ पे गो टू। गो टू का बेसिकली क्या यूज़ होता है, जैसे कि इधर मैं एक लाइन लिखता हूँ कुछ भी, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिख दिया दिस इज डेमो क्लास वन, जैसे मैं ये लिखा क्लास वन एंड एक और मैं लिख देता हूँ इधर दिस इज डेमो क्लास टू, ये दो चीज़ मैं लिख दिया। लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, जैसे कि मेरे को अप डाउन करना है, कभी लाइन वन में जाना है, लाइन टू में जाना है। तो अभी ये लाइन हमारा कौन सा है, लाइन हमारा ये तीसरा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरा लाइन है, दूसरा लाइन हमारा बीच में है। तो एडिट में जो गो टू का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप डायरेक्टली लाइन को लेके जा सकते हैं, मतलब कर्सर को दूसरे में लेके जा सकते हैं, तीसरे में। जैसे दो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर जो है दूसरे पे आ जाएगा। मेरे को जाना है तीसरे चौथे पे जाना है, तो मैं एडिट में जाऊँगा और गो टू में जाऊँगा और इधर फोर लिख के ओके करूँगा,
तो मेरा कर्सर 4 लाइन में चला जाएगा। तो एडिट में जो गो टू का ऑप्शन दिया, कर्सर को आप लाइन बाय लाइन चेंज कर सकते हैं। एंड आगे मैं बात करता हूँ सेलेक्ट ऑल, बेसिकली इसका यूज़ होता है पूरा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है एक बार में, तो सिंपली आप यहाँ से एडिट जाएंगे, एडिट से जाएंगे सेलेक्ट ऑल पे, तो जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A, Ctrl+A से जो है ये ऑल सेलेक्ट होता है। आगे मैं बात करता हूँ एडिट में, इधर एक ऑप्शन है टाइम एंड डेट। बेसिकली इसका यूज़ होता है अगर आपको नोट पैड में करेंट टाइम और डेट लेके आना, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर देख सकते हो कि टाइम भी दिख रहा है और आज का डेट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो करंट डेट और टाइम आप ला सकते हो, सिंपल एडिट में जाना होता है, और एडिट में जाने के बाद इधर एक ऑप्शन होता है टाइम एंड डेट का। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडिट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉन्ट का, इसका क्या यूज़ होता है। तो पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जो आप लिखते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड करने के बाद आप चले आओगे यहाँ पे फॉन्ट में। फॉन्ट में जब आप आओगे तो इधर फैमिली मिलेगा फॉन्ट का, अलग अलग फैमिली, आपको कौन सा फॉन्ट का डिज़ाइन रखना है। इधर बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, तो आप कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल रखना है इसमें कौन सा, मीडियम में, ज़्यादा बोल्ड में, और इधर एक ऑप्शन है साइज का, आप कितना साइज करना चाहते हो इसे। यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, एंड इसका प्रीव्यू मैं देख सकता हूँ, इधर ये प्रीव्यू दिखा रहा है। एंड ये करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल आप इधर बैक आ जाओगे तो इसका जो फॉन्ट का है वो देखिए सारा स्टाइल वगैरह चेंज हो गया। ये मैंने कैसे किया, तो एडिट में गया था, एडिट से फॉन्ट में गया था, एंड फॉन्ट में जाने के बाद इधर काफ़ी सारे फॉन्ट है, आपको जो फॉन्ट यहाँ पे सही लगे, बेल एम्प्टी वेरे को जैसे सही लग रहा है, बोल्ड नहीं रखना है, रेगुलर रखना है, साइज जो है और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 12 से ज़्यादा करना है तो आप ऐसे यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये हमारा कैसे दिखने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा, तो ये देखिए इधर जो है टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है इसका चेंज हो गया। चलिए अगला देखता हूँ यहाँ पे व्यू टैब। व्यू टैब में यहाँ पे सबसे पहले दिया है जूम इन, जूम आउट, जूम रीस्टोर जूम। जूम आउट से क्या होगा, थोड़ा बैक जाएगा जूम, एंड जूम इन करेंगे तो और सामने जूम होगा, ये और सामने जूम कर सकते हैं। एंड एक और ऑप्शन दिया था ये वाला जूम में ही, रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, मतलब जितना होना चाहिए ये रीस्टोर कर लेगा वापस। स्टेटस बार होता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिख रहा था मेरे को, अभी ये देखिए कितना लाइन में है, कितना कैरेक्टर है, ये इसको स्टेटस बार बोलते हैं, तो ये इसको ऑन रहेगा तो ये दिखेगा। वर्ड रैप देखिए क्या होता है, वर्ड रैप होता है जैसे कि आप कुछ लिखते जा रहे हो, तो यहाँ पे तो यहाँ तक जैसे आएगा तो ये लाइन अपने आप चेंज कर लेगा, लेकिन यही अगर आपका वर्ड रैप ऑफ है तो आप कुछ भी लिखते जाओगे तो ये हमेशा आगे बढ़ते जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ, ये देखो अभी आप देखना यहाँ पे लाइनिंग चेंज नहीं करेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा ये। तो इसको कैसे सही करेंगे, एडिट में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाना है, और व्यू में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वर्ड रैप, तो वर्ड रैप करेंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था नोट पेड का ट्यूटोरियल, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप घर बैठे जो है कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।